नमस्ते हरियाणा में आपके साथ अनन्य जहां शेख बोलेंगे। शुरुआत करते हैं प्रदूषण और पराली पर। सियासत भी लगातार तेज देख रही जा रही है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रदूषण पर सियासत नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। आम आदमी पार्टी को हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाय प्रदूषण का समाधान केजरीवाल को ढूंढना चाहिए। पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज़ में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीज़ों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है, अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो, यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है, यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं, और इसमें उनको तकलीफ हो गई। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है, वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है, मैं उसमें क्या करूं। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। केजरीवाल जी और उनके मंत्री प्रदूषण की वजह हरियाणा को बता रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि डाटा इसके विपरीत है। पंजाब में हमारे से ज़्यादा लगभग 7-8 गुना आगजनी की घटनाएं होती हैं। हमने पिछले साल के बजाय इस साल 28-30% कम किया है पराली आग लगाने की घटनाओं को, जबकि पंजाब में पिछले साल की बजाय 20% आगजनी की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। इसी से जाहिर हो जाता है कि हरियाणा सरकार क्या कर रही है, पंजाब सरकार क्या कर रही है। चलिए तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि हरियाणा में कहां पर कितनी पराली जलाई जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां पर कितनी पराली जलाई जा रही है। तो केरल की अगर बात कर ली जाए तो 563, तो वही फरीदाबाद में 442, जिंद में 297, महेंद्रगढ़ में 289, और इसी के साथ कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 264 है। तो अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में संगरूर में 3513, तो वही तरन तारण में 2847, पटियाला में 2528, फिरोजपुर में 1927, बठिंडा में 1533। साफ तौर पर जिस तरीके से आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, और जाहिर है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है, तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में कौन कौन से वो तमाम ज़िले हैं जहां पर पराली ज़्यादा जलाई जा रही है, जिसके वजह से जो है प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आंकड़े भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आंकड़े साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो ये जो आंकड़े हैं वो 15 सितंबर से 3 नवंबर तक का है, ताकि यानी कि हाल फिलहाल के तमाम आंकड़े हैं। और आंकड़े देखिए किस तरीके से कैथल में जो है 563 यहाँ पर पराली के केस सामने आए हैं, तो वही अगर पंजाब के संगरूर की बात कर ली जाए तो 3513, अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है।